हेलो दोस्तों, अगर आपका भी बजट 15,000 रुपये का है और आप भी एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं टॉप 5 स्मार्टफोन जो 15,000 या उससे कम के बजट में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन मिल जाएंगे, जिसमें आपको अच्छा कैमरा, बढ़िया प्रोसेसर और अच्छी बैटरी बैकअप मिलेगी। साथ ही इस फोन का लुक भी जबरदस्त देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका दोस्त सुमित के रावल SPST टेक में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि रिपब्लिक डे आ गया है, जिस वजह से इस समय अमेजोन पर अच्छे अच्छे ऑफर शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको कम दाम पर अच्छे अच्छे फोन मिल रहे हैं। तो मैं भी आपके लिए अमेजोन पर 15,000 या उससे कम में टॉप 5 स्मार्टफोन बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा सेल किए गए हैं। तो नंबर 5 पर है रेडमी का रेडमी 10A फोन, जिसमें आपको मीडिया टेक हेलियो G25 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। वहीं 6.53 इंचेज की IPS डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसके बैक साइड में 30 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, तो वहीं फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं इस फोन को चलाने के लिए 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 10 वाट का चार्जर दिया गया है। वहीं इसके बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। वहीं यह फोन 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आपको अमेजोन पर 8,999 रुपए में मिल जाएगा। वही नंबर 4 पर है रेडमी का ही रेडमी A1 फोन, जिसमें आपको मीडिया टेक हेलियो A22 का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। वही 6.52 इंचेज का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसके बैक साइड में 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा दिया गया है। वही फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वही इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 10 का चार्जर दिया गया है। वहीं यह फोन 2GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आपको 6,499 रुपए में मिल जाता है। वहीं दोस्तों, नंबर 3 पर है रियलमी का रियलमी नार्जो 15A फोन, जिसमें आपको मीडिया टेक हेलियो G85 का गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। वहीं 6.5 इंचेज का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसके बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। वहीं फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस का सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ ही इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 18 वाट का क्विक चार्जर दिया गया है। वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। वहीं यह फोन 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आपको 11,499 रुपए में मिल जाता है। वहीं दोस्तों, नंबर 2 पर है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M13, जिसमें आपको सैमसंग एक्सिनोस 850 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया है। वहीं 6.6 इंचेज का PLS LCD डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। साथ ही फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 15 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में देखने को मिल जाएगा। वहीं यह फोन 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आपको 11,999 रुपए में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, नंबर 1 पर है IQ का IQ Z6 Lite 5G फोन, जिसमें आपको Snapdragon 4 Gen 1 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और 6.58 इंचेज की IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है। साथ ही फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में देखने को मिल जाता है और यह फोन 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपए में और 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपए में मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 5 फोन जो अमेजोन पर सबसे ज्यादा सेल की गई है, जो आपको 15,000 या उससे कम में मिल जाएगी। तो इन सभी फोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर चेक आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें नीचे कमेंट्स का जरूर बताइए कि आपको इन पांचों ही फोन में से कौन सी फोन आपको अच्छा लगा, और साथ ही यह बताइए कि आप इनमें से कौन सा फोन लेने वाले हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी मोबाइल से रिलेटेड वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।